हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज आप सबके लिए एक नया क्यूएन सेशन लेके आया हूँ, जिसमें आप एक मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है। तो आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिलता है मुझे कमेंट सेक्शन में, आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। और आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछते हो जिनका मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। कुछ का जवाब तो वहीं दे देता हूँ, कुछ का जवाब कमेंट सेक्शन में नहीं दे पाता, तो उसके लिए अलग से क्यूएन सेशन मैं बना देता हूँ। तो आज एक नया क्यूएन सेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का क्यूएन सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले। दोस्तों, जो पहला सवाल है वो है अनंत पटेल जी का। अनंत पटेल जी लिखते हैं कि सर, मेरा बजट 6.5 लाख का है और यह मेरा पहला कार होगा, टियागो या पंच कौन सी लूँ? तो सर, 6.5 लाख के बजट में देखिए टियागो पंच दोनों गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, तो सीधी बात है कि आप टियागो लीजिए या पंच लीजिए, आप बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों की अपनी USPs हैं। अपनी कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में टियागो आती है, जो कि एक हैचबैक कैटेगरी है, तो उसमें परफेक्ट कार है, वैल्यू फॉर मनी कार है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बेफिक्र टियागो ले सकते हो। पंच की बात करें तो जो एक मिनी एसयूवी सेगमेंट में भी पंच आई है, तो पंच भी ज़बरदस्त है, पंच का लुक एकदम बिल्कुल एग्रेसिव है, मुझे काफ़ी गुड लुकिंग लगती है पंच। बिल्ड क्वालिटी 5 स्टार है, काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है, ओवरऑल बहुत बढ़िया पैकेज है पंच का। तो आप दोनों में से कोई भी गाड़ी लीजिए, आप बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं करेंगे। बस एक चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि 6.5 लाख में अगर आप पंच पे जाएंगे तो आपको लोअर वारंटी मिलेगा, तो उसमें आपको सारी चीज़ें बाहर से लगवानी पड़ेंगी, तो वहाँ पे थोड़ा सा ये है कि आपको एक्स्ट्रा बजट लेके चलना पड़ेगा। कम से कम आप 50-60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आपको डालने पड़ेंगे, और आफ्टर मार्केट काम करवाएंगे तो थोड़ा सा उसमें कुछ प्रॉब्लम बाद में धीरे धीरे आ सकती हैं, जो कि मैंने फेस किया था अपनी पुरानी गाड़ी में। बाकी ओवरऑल पंच गाड़ी अच्छी है। तो मेरा समझने नहीं है, अगर आप फीचर से थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आप पंच ले लीजिए, पंच आपके लिए परफेक्ट रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको सब कुछ कंपनी फिटेड मिले, तो आप टियागो XT पे चले जाइए, आपके लिए वो भी बढ़िया पैकेज है। तो दोनों में से जो भी आपको पसंद है कोई भी ले लीजिए, आप बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं करेंगे। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है तपन राज व्यास जी का। तपन जी कहते हैं कि टियागो XT ऑप्शनल का प्लान कर रहा हूं 2022 में, क्या 6.5 लाख में बेस्ट चॉइस है या निवास देख लूं? तो तपन जी, 6.5 लाख में मेरे हिसाब से आप बिल्कुल परफेक्ट आप सोच रहे हो, बढ़िया सोच रहे हो। जैसे मैंने पहले बताया अभी कि XT अगर आप सोच रहे हो टियागो का, तो बिल्कुल परफेक्ट चॉइस आपके लिए होने वाली है। निवास से मैं टियागो XT आपको इसलिए लेने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। पहली चीज़ तो है कि आपको 6.5 लाख के बजट में अगर आप निवास पे जाते हो, उसमें आपको फ़ीचर्स बहुत कम मिलेंगे, लेकिन आपको XT में काफ़ी अच्छे खासे फ़ीचर्स आपको मिल जाएंगे, तो पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा ये कि इसकी सेफ्टी निवास से काफ़ी ज़्यादा है, वो 2 स्टार सेफ्टी रेटेड कार है, 4 स्टार है, तो सेफ्टी बहुत अच्छी है टियागो की, इसमें कोई डाउट नहीं है। तीसरा, अगर मैं बात करूँ इसकी जो स्टेबिलिटी, हाईवे पे बहुत बढ़िया है, इसको आप हाईवे पे 120-130 की स्पीड में व्हीकल लेके जाते हैं तो बिल्कुल भी आपका जो कॉन्फिडेंस है लूज़ नहीं होगा, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और बिल्कुल स्टेबल रहती है गाड़ी, बहुत बढ़िया चिपक के चलती है रोड से। इसका स्टेयरिंग फीडबैक काफ़ी अच्छा है, मतलब जैसे आप स्लो स्पीड पे रहते हो तो आपका स्टेयरिंग काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है, जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है तो वैसे वैसे इसके स्टेयरिंग में वेट आने लगता है, इसकी स्टेयरिंग हार्ड हो जाती है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये सारे कुछ प्लस पॉइंट थे जो कि आपको टियागो में मिलते हैं। टियागो में सर्विस में अगर आपकी छोटे शहर में हो तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, वैसे भी आजकल टाटा जो है बहुत अच्छा इम्प्रूव कर रही है सर्विस में। जो बी ग्रेड की सिटीज़ हैं या फिर ए ग्रेड की सिटीज़ हैं, जैसे आपका लखनऊ हो गया, इंदौर हो गया, इस तरह की सिटीज़ हो गई, या फिर जैसे दिल्ली हो गया, चेन्नई और बड़े शहर हैं, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा भी अपनी सर्विस कर दी है टाटा ने, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी छोटे शहर में हो सकता है आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए, बड़े शहर में सर्विस की भी कोई प्रॉब्लम आपको टाटा में नहीं आने वाली है। तो इस हिसाब से अगर इस सारी चीज़ों को हम लोग देखें तो टियागो आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। तो मेरे हिसाब से तो आपको टियागो पे जाना चाहिए, आप बिल्कुल भी इसमें रिग्रेट फील नहीं करेंगे। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कोंडरापू रघु जी से। मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं रघु जी, हैदराबाद से हैं। रघु जी लिखते हैं कि सर, इन माई टियागो रिवर्स पार्किंग करने के टाइम पे सम वाइब्रेशन होता है, नॉइज़ आता है केबिन में, सारे टियागो में प्रॉब्लम है या फिर सिर्फ मेरे को ही प्रॉब्लम आ रही है? तो रघु जी, वाइब्रेशन एज सच रिवर्स करने पर कोई नहीं आनी चाहिए। अगर कुछ एबनॉर्मल वाइब्रेशन है तो एक बार सर्विस सेंटर पे आप दिखा के उसको डेफिनेटली फिक्स कराने की कोशिश कीजिए। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब भी आप
फर्स्ट गियर ला के आगे ले जाते हो या फिर रिवर्स गियर ला के पीछे ले जाते हो, तो अगर कभी कभी एक्सेलेरेटर कम होता है और आपकी गाड़ी पे लोड पड़ता है इंजन पे, तो इंजन थोड़ा सा जर्क लेता है। तो अगर वो वाली केस है तो उस केस में आपको थोड़ा सा बस एक्सेलेरेटर दे के रिवर्स करना है तो वाइब्रेशन नहीं आएगी। लेकिन अगर हल्का एक्सेलेरेटर दे के अगर आप रिवर्स करते हो फिर भी वाइब्रेशन आ रही है रिवर्स में और हर बार आ रही है, तो एक बार आप सर्विस सेंटर पर चेक करा लीजिए, डेफिनेटली प्रॉब्लम सर्विस सेंटर वाले आपके लिए सॉल्व कर देंगे। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मुजफ्फर भाट जी का। मुजफ्फर जी लिखते हैं कि सर आफ्टर थर्ड सर्विस द इंजन वाइब्रेशन इंक्रीज इन टाटा टियागो एक्सजेड प्लस, व्हाट इज द रीजन एंड आल्सो सजेस्ट हाउ टू रिड्यूस इट। तो मुजफ्फर जी, थर्ड सर्विस के बाद या किसी भी सर्विस के बाद वाइब्रेशन बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी अभी सेकेंड सर्विस हुई है। मैं कई टियागो ओनर्स को जानता हूँ और मिल चुका हूँ जो कि सालों से टियागो चला रहे हैं, तो वाइब्रेशन बढ़नी नहीं चाहिए। वाइब्रेशन अगर बढ़ी है थर्ड सर्विस के बाद तो डेफिनेटली एक बार आपको सर्विस सेंटर पे चेक कराना पड़ेगा। हो सकता है ट्यूनिंग का कुछ इशू हो या हो सकता है कुछ फिट एंड फिनिश का इशू हो, तो एक बार आप सर्विस सेंटर पे डेफिनेटली इसको चेक कराइए और उनको दिखाइए और आई थिंक ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है यूज़र है एनी रैंडम। तो एनी रैंडम यूज़र आईडी से सवाल आया है कि आई एम 6 feet 3 inches टॉल एंड आई स्ट्रेस द टियागो ड्राइवर सीट टू द मैक्सिमम इट कैन बी स्ट्रेस्ड बैक साइड, बट आई विश इफ आई कुड स्ट्रेस अ बिट मोर, इज इट पॉसिबल टू इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन ऑफ द सीट। तो सर की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, 6 feet 3 inch आपकी हाइट है, तो डेफिनेटली मैं समझ सकता हूँ कि आपकी पैर जो है प्रॉपरली स्ट्रेच करके गाड़ी चलाने में आपको मज़ा आता होगा, लेकिन चूंकि छोटी गाड़ी है तो उतना ज़्यादा शायद आपको मोमेंट उतना ज़्यादा आपको नहीं मिल पा रहा है उसमें, क्योंकि एक उसका रेंज है। तो इसको रेंज को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, जैसे कि नीचे कमेंट में अर्चित भाई ने रिप्लाई भी किया है कि आप थोड़ा सा अगर आपकी गाड़ी जो है उसमें हाइट एडजस्टेबल फीचर है तो आप थोड़ा सा सीट को अगर आप नीचे करेंगे तो थोड़ा सा लीन हो जाती है सीट बाय डिफ़ॉल्ट। जब भी आप अपनी सेटिंग नीचे करते हो तो गाड़ी की सीट थोड़ा पीछे की तरफ झुक जाती है, तो आपको करीब 1 inch का आपको एक्स्ट्रा एक प्ले मिल जाएगा आगे पीछे करने में। बाकी इसके अलावा तो सर जी इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपका जो सीट है उसका जो जॉइंट है जहाँ पे फिक्स है वो फिक्स है, उससे ज़्यादा आप इसको मूव नहीं कर सकते हो। बस एक ही ऑप्शन ही था जो मैंने आपको बता दिया, बाकी और कोई इसमें पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है RCKR से। लिखते हैं कि हाउ टू डू जीरो रीडिंग इन मीटर। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अपना ट्रिप मीटर जीरो कैसे करना है, सर का क्वेश्चन है। आई थिंक काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है उनको एक बार बता देता हूँ कि आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दो नॉब्स होती हैं, एक लेफ्ट में होती है एक राइट में होती है। तो राइट वाली जब आप दबाते हो जितनी बार आप उसको प्रेस करोगे तो आपका जो ट्रिप ए ट्रिप बी और ओडोमीटर ये सब जो ऑप्शन है सेलेक्ट करने के, वहाँ से आप जितनी बार दबाओगे तो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। एक बार दबाओगे तो ट्रिप ए आएगा, फिर दोबारा प्रेस करोगे ट्रिप बी आएगा, फिर से प्रेस करोगे तो ओडो आएगा। लेकिन अगर आपको मान लीजिए आपने ट्रिप ए सिलेक्ट किया है और आपको ट्रिप ए को जीरो करना है, तो जब ट्रिप ए आपका आ गया है तो जो लेफ्ट वाली नॉब है उसको प्रेस करके आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए। दो नॉब होती हैं राइट वाली लेफ्ट वाली, तो राइट वाली से मैंने आपको बताया कि आप ट्रिप ए ट्रिप बी ऑर्डर सब चूज करते हैं, आपने जो भी चूज कर लिया मान लीजिए ट्रिप ए आपने चूज कर लिया, तो जो लेफ्ट वाली नॉब है उसको प्रेस करके थोड़ी देर तक अगर होल्ड करेंगे 3-4 सेकंड तक तो वो अपने आप जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने ट्रिप मीटर को रिसेट कर सकते हैं, और जब भी किसी ट्रिप पे आप निकलें तो एक बार रिसेट करके निकलें, उससे आपको पता भी चलेगा कि आपकी गाड़ी कितना ज़्यादा माइलेज दे रही है। दोस्तों बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी सवाल की तरफ। तो आखिरी सवाल है अर्चित कोहली जी से। अर्चित भाई लिखते हैं कि हेलो सर, यू हैव बीन पोस्टिंग वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, फर्स्टली थैंक यू फॉर शेयरिंग योर बेस्ट प्रैक्टिस। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लव एंड सपोर्ट। उसके बाद सर लिखते हैं कि आई जस्ट गॉट माय टियागो एनआरजी एएमटी डिलीवर्ड दिस इवनिंग। तो कल ही अभी अर्चित जी ने टियागो एनआरजी लिया है, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी नई गाड़ी के लिए। तो सर का आगे क्वेश्चन है कि आई नोटिस दैट हेडलाइट्स आर नॉट दैट ग्रेट, माई डेली रन इज अप्रॉक्स 100+ kilometers एंड वॉन्टेड टू नो इफ आई पुट एच आई डी किट एज माई हेडलाइट्स विल इट वाइट माई कंपनी वारंटी। तो अर्चित जी, जैसे मैंने आपको कमेंट में रिप्लाई भी कर दिया था कि एच आई डी आप इंस्टॉल करा सकते हो, आपकी वारंटी वाइड नहीं होगी।
बस ध्यान रखिएगा कि कोई भी वायर कट ना हो, जो गाड़ी की ओरिजिनल वायरिंग है उससे कोई छेड़छाड़ ना हो। कपलर टू कपलर फिटिंग आजकल मार्केट में अवेलेबल है, तो उसमें कोई वायर कट होता भी नहीं है, तो आपकी वारंटी इससे वाइड नहीं होगी, दैट इज़ फॉर श्योर। लेकिन एक सजेशन आपको मैं एडिशनल उस पर थोड़ा सा देना चाहूँगा, एक बार आप कंसीडर कीजिएगा, बात कीजिएगा शॉपकीपर से, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि HID जो आप लगवाओगे तो HID आप अपनी हेडलाइट्स में मत लगवाओ। हेडलाइट्स में अगर आप HID लगवाते हो तो प्रॉब्लम क्या है कि रिफ्लेक्टर्स हैं, रिफ्लेक्टर्स में बहुत ज़्यादा फैल जाती है, तो उस केस में आगे चल के वो जो गाड़ियाँ आगे से आ रही होती हैं उनकी आँखें बहुत ज़्यादा चुभती है। तो HID एक्चुअली प्रोजेक्टर्स के लिए बनी होती है, तो रिफ्लेक्टर हेडलाइट में अगर आप उसको लगवाओगे तो उसका जो इफेक्टिवनेस है उतना बढ़िया नहीं रहेगा, प्लस आगे वाली जो ट्रैफिक है, इनकमिंग ट्रैफिक है, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा कि आपकी जो हेडलाइट्स हैं आप उनको एज इट इज़ रहने दीजिए, या फिर आप उसमें चाहो तो LED करवा दीजिए। बाकी जो फोग लैंप है, फोग लैंप की जगह पे HID आप लगवा लीजिए। तो HID विद प्रोजेक्टर आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, 8-10 हज़ार से लेकर के 14-15 हज़ार तक की रेंज में आपको बहुत बढ़िया HIDs मिल जाएंगी। और अपनी फोग लैंप की जगह पे रिप्लेस करा के वहाँ पे HID लगवा दीजिए। और हेडलाइट्स को मैंने LED करने के लिए इसलिए बोला है ताकि दोनों की लाइट का जो कलर है सेम हो जाए, बाकी आप चाहें तो हेलोजन भी रख सकते हैं, लेकिन दोनों कलर सेम हो जाएगा, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, तो आप ऐसे करवा सकते हैं। बाकी जब आप नीचे आप लगा लेंगे अपनी HID, उससे दो फायदा होगा, एक तो प्रोजेक्टर के साथ HID आएगी तो आपका जो थ्रो होगा उसका बहुत ज़बरदस्त होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, और दूसरा उसका जो प्लेसमेंट है काफ़ी नीचे होगा तो उसका थ्रो प्रॉपर रोड पर जाएगा, तो आपका जो HID है दूसरों लोगों की आँखों में नहीं चुभेगी, प्रॉपर वो रोड पर अपना फ्लैश मारेगी और आपको बहुत अच्छी खासी विजिबिलिटी उसमें अपनी गाड़ी की मिल जाएगी। तो दोस्तों ये रहे आज के कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर सकते हो ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आपको टाइमली मिलते रहें। तो दोस्तों इसी के साथ एंड कर लेते हैं आज का वीडियो, और जल्दी मैं आप लोगों के साथ फिर से मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।